हेलो एवरीवन, चलिए कोरल में आज अपन विजिटिंग कार्ड बनाना सीखते हैं। किस तरह से अपन एक विजिटिंग कार्ड बनाते हैं वो आपको आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च पर यहाँ पर कोरल ड्रॉ लिखना है। जैसे मैंने कोरल ड्रॉ 11 यहाँ पर मैंने ये लिया है, और जब विंडो शो हो जाए, थोड़ा सा वेट करते हैं विंडो शो होने में। तो इसमें अपन न्यू ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल आ जाएगी आपके सामने। अब आपको क्या करना है, विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट किस में करना चाहते हो, यानी आप उसके लेंथ और विड्थ इंचेस में लेना चाहते हो या सेंटीमीटर में लेना चाहते हो, वो आप मेजरमेंट किस में चाहते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटीमीटर में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर जो आपको दिखेगा, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, या मिलीमीटर भी ले सकते हो आप, ये देखो मिलीमीटर से। तो अगर आप देखो मिलीमीटर में, अगर आप देखो तो एक कार्ड विजिटिंग कार्ड का नाप देख लेना आप स्केल से। जैसे अप्रोक्सीमेटली जो रेक्टेंगल होता है, जो मिलीमीटर में जो कार्ड होता है जिसका साइज होता है, अप्रोक्सीमेटली 88 विड्थ रहती है और जो हाइट रहती है वो 52 के करीब रहती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 88 और 52 डाल दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। एंटर प्रेस करना जरूरी है, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। अब ये साइज हो गया अपना विजिटिंग कार्ड का। ठीक है, आप क्या करो, फिर इसको क्या कर लो, जूम कर लो, इस तरह से जूम कर लो इसको, इस तरह से ऐसे। तो आपको बड़ी मतलब पूरा रेक्टेंगल का जो साइज है, जो विजिटिंग कार्ड का साइज है, वो पूरा सही मैक्सिमाइज में दिख जाएगा। फिर बता रहा हूँ, जैसे यहाँ क्लिक करो और ऐसे ड्रैग करा करो, जो एरिया आपका कवर कर लेगा ऐसे। ठीक है, फिर आप क्या करो, इस विजिटिंग कार्ड का जो आपने रेक्टेंगल लिया है, जो आपने साइज का नाप लिया है, इसको आप लॉक कर दो, जिससे ये क्या होगा, मूवमेंट नहीं करेगा। लॉक करने के लिए आपको अरेंज में जाना पड़ेगा और लॉक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। लॉक ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दोगे, देखो इसमें लॉक का साइन आ गया। अब आप इसको जैसे ड्रैग करोगे तो देखिए मूवमेंट नहीं करेगा। देखो मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, मूवमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये लॉक हो गया। अभी यहाँ से ये हिलेगा नहीं, यहीं पे सारा वर्क होगा अपना। ठीक है, अब मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे विजिटिंग कार्ड बनाना, मेरे सेंटर का बनाना है, एक्टिव कंप्यूटर मेरा सेंटर, तो इसका बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट लूंगा, क्या लूंगा, टेक्स्ट टूल लूंगा। यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेकर पहले बाहर ही लिख लो, यहाँ क्लिक करके यहाँ पर एक्टिव कंप्यूटर लिख लो। यहाँ पर एक्टिव मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिख लिया। ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना, जिस फॉर्मेट में लिखना आपको, जैसे मैंने एक एक्टिव का ए कैपिटल लेटर ले लिया और कंप्यूटर का सी कैपिटल लेटर ले लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके और इसको मिडिल में रखना है। अब वो मिडिल में कैसे आएगा आपके, अभी तो दिखने में तो मिडिल में लग रहा, पर एक्चुअल में ये मिडिल में नहीं है। जब प्रिंटिंग से प्रिंट निकलेगा तो एक्चुअलिटी पता चलेगी। तो मिडिल में दिखने के लिए आप क्या करो, इस पर शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करो आपके। ठीक है, अभी ये लॉक हो रखा है इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, आपको अनलॉक करना पड़ेगा आपको इसको। मैं अनलॉक कर देता हूँ इसको, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको अनलॉक कर देता हूँ, जिससे अपने क्या होगा कि इसको अपन सेंटर पर ला सकते हैं। पहले इसको यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करो। ठीक है, अब आपको किसके सेंटर करना है, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर करना, तो शिफ्ट प्रेस करें, कीबोर्ड की शिफ्ट प्रेस करें और इस पर क्लिक करें। तो देखो ये सेलेक्ट हो गया, अब ये भी सेलेक्ट है और ये भी सेलेक्ट है। अब सेंटर का सी, कीबोर्ड से सी प्रेस करें तो ये सेंटर आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, आपको अभी इफेक्ट नहीं दिखा होगा, तो देखो मैं इसको थोड़ा दूर रख देता हूँ, जो पता नहीं चलेगा आपको ना। देखो ये दूर रख दिया मैंने, अब देखो मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया, अब शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करा तो ये सेलेक्ट हो गया। अब सेंटर का सी प्रेस करूंगा, देखो ये देखो, तो इस ऑब्जेक्ट है जो भी अपना जो साइज लिया उसके सेंटर आ गया एक्चुअल में। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। अभी जैसे इसमें आपको कुछ कलर फिल करना है, तो आप कलर डिजिटल कार्ड बनाना चाहते हो तो जैसे कलर फिल करना है तो इस पर क्लिक कर लो, कलर फिल कर दो। अब देखो कि आप जो कलर फिल करने के बाद अपना टेक्स्ट नहीं दिख रहा, कारण क्या, टेक्स्ट नहीं दिख रहा, वो जो अपना टेक्स्ट है वो पीछे चला गया, वो जो अपना टेक्स्ट था वो क्या चल गया, इसके पीछे चल गया।
यानी ये फ्रंट में आ गया, ऊपर आ गया, तो इसको पीछे भेजना है आपको, पीछे भेजना है, ठीक है ना। या तो देखो ये पीछे चल गया या वो सेम कलर का हो गया, क्योंकि पहले दोनों सेलेक्ट थे ना एक्चुअल में, इसलिए कलर मैंने जब किया था तो कलर वापस, जैसे कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, वापस बैक आ जाता हूँ यहाँ पर। ये देखो एक मिनट में कलर देखता हूँ, देखो ये देखो ये पीछे इसके यहाँ पर है, ये भी सेम कलर हो गया। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ। अब देखता हूँ देखो कौन आगे है कौन पीछे। हाँ अभी भी मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर वाला ये आगे ऊपर है। तो आप अरेंज में जाओ और ऑर्डर पर जाकर उसको सेंड टू बैक कर लो या टू बैक कर लो। टू बैक से क्या होगा, सभी के पीछे चल जाएगा ये। पर अभी तो दो ही ऑब्जेक्ट है अपने पास, एक तो एक्टिव कंप्यूटर जो लिखा हुआ है और ये जो रेक्टेंगल लिया अपन ने, जो अपने ये ऑब्जेक्ट लिया वो है। सेंड टू बैक करूंगा यानी शिफ्ट पेज डाउन करूंगा, तो देखो ये पीछे चल गया, यानी ये सभी के पीछे चल गया। अभी तो फिलहाल एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी इसके पीछे गया बस वो। अभी देख लेते सेंटर में है या नहीं है, तो एक बार वापस अपन यहाँ पर क्लिक करके और इसको यहां से क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, तो देखो अब सेंटर में आ गया ये, ठीक है, ये एक्टिव कंप्यूटर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर नीचे एड्रेस चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मेरे कोर्सेज चाहिए, तो मैं कोर्सेज के नेम्स लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया जैसे RSCIT, है ना, जैसे मैंने लिख लिया RSCFA यानी टैली, ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया PGDCA, जैसे मैंने लिख लिया सी लैंग्वेज, जैसे साइज बहुत बड़ा है तो इसका साइज आप पहले से स्मॉल कर लें, जिससे आपको सुविधा होगी लिखने में। देखो मैंने यहाँ साइज छोटा कर लिया इसको, ठीक है, ये देखो ये एरो किस मैंने साइज छोटा कर लिया और छोटा कर लेते, ये देखो, ठीक है, ये छोटा कर लिया मैंने। अब मुझे क्या लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, जो मैं कंटेंट लिखना चाहता हूँ लैंग्वेज में, जैसे मैंने C++, ये कोर्सेज लिख दी मैंने सी, ठीक है, C++, जावा, है ना, जैसे पाइथन, MySQL, जो भी कोर्सेज है मैं यहाँ डाल देता हूँ, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल HTML, JavaScript, तो अब जैसे मैंने ये फॉर एग्जाम्पल कोर्सेज डाल दिए और मैं यहाँ से इसको नीचे आधे यहाँ ऊपर आधे नीचे ऐसे चाहता हूँ, तो मैंने ये क्लिक एंटर प्रेस कर दिया यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पर आया, कर्सर लेकर आया और एंटर की प्रेस कर दिया यहाँ पर, तो ये नीचे हो गया। अब मैं इसको अपना अकॉर्डिंग जमा लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, जो भी कोर्सेज है उसको मैं इस तरह से यहाँ पर सेंटर में रखना चाहूँ तो सेंटर में रख सकता हूँ, आप चाहो तो इसको यहाँ पर रख कर इसको सही अरेंजमेंट करना चाहो तो अरेंजमेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है, जैसे ये इस तरह से, और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं थोड़ा इस तरह से। अब मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ इसको, यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने और मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये सेंटर पर क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब देखो सेंटर अलाइनमेंट हो गया ये इस तरह से, ठीक है। फॉन्ट चेंज करना तो आप यहां से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपन टेक्स्ट का, जैसे ये थोड़ा सॉलिड फॉन्ट ले लेंगे तो प्रिंटिंग में अच्छा आएगा, जैसे ये, तो ये बेटर लग रहा, ठीक है, ये बेटर लग रहा। अब जैसे आप जैसे ये एक्टिव कंप्यूटर लिखा आपने, अब इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना आपको थोड़ा, तो जैसे फॉन्ट चेंज करके मैं यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव ले लेता हूँ, थोड़ा मोटा फॉन्ट ले लेता हूँ, जितना मोटा फॉन्ट होता है उतना ही यानी प्रिंटिंग में अच्छा आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, है ना, ये अच्छा आएगा। और आपको क्या करना है, आप इसको क्या करो, इसको दो तरह से कर लो, देखो ऐसे, एक तो ये है ये तरीका, एक और ना इसी की कॉपी करो, कंट्रोल सी करो और कंट्रोल वी करो पेस्ट, यानी दो आ गया एक्टिव कंप्यूटर लिखे हुए। अब इसमें क्या करो, जो पीछे वाला ना, पीछे वालों को क्या कर दो, लाइट ग्रे कलर कर दो, लाइट ग्रे कलर कर दो
और इसको ने इसके यहाँ पर शेडो के अकॉर्डिंग सेट कर लो, जो ऊपर वाला है। अब देखो कितना इम्बोज दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है ऐसे। तो इस तरह से अपन जमा सकते हैं। और अगर दूसरा कलर करना चाहते हो इसमें, तो दूसरा कलर कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें शेडो देना चाहते हो रेड, या रेड में, या इसमें। अब देखो, अब करके देखो इस तरह से, ठीक है। या आप चाहते हो कि इस तरह से ना दिखकर दूसरा कलर रहे लाइट में, तो लाइट में दे सकते हो आप। व्हाइट व्हाइट कलर दे सकते हो आप, व्हाइट में देकर देखो तो देखो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको उठा सकते हो, ठीक है। तो ये बेटर लग रहा है ना। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे शेडो है और 3D में आ गया, एक्टिव कंप्यूटर जो लिखा हो 3D में आ गया, ठीक है ना। तो और जैसे मैं और इफेक्ट देता हूँ इसमें, तो ये सेम कलर हो गया इस तरह से। तो ये भी जो आपको कलर बेटर लगता है डिजिटल कार्ड बनाने में, वो आप यहाँ से चॉइस कर सकते, ले सकते हो। यहाँ से जो आपको बेटर लग रहा है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। फ्रंट में जो रखना है आपको वो कलर ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करो एरो की, जो देखो दोनों एरिया सेलेक्ट हो गए। दो एक्टिव कंप्यूटर लिखा है, एक पीछे और एक आगे है, तो ये दोनों एरिया में कवर हो रहा है, तो ये दोनों ही सेलेक्ट होंगे, रेक्टेंगल नहीं होगा। अब इसको आप क्या कर दोगे, अरेंज में जाकर ग्रुप कर दोगे ना, तो ये दोनों एक हो जाएंगे ऐसे। अब देखो क्या होगा कि आप कहीं भी इसको उठाकर रखोगे तो एक साथ आएंगे ये। अगर ये इसको ऐसा होता, अनग्रुप होता, देखो जैसे मैं वापस अनग्रुप करता हूँ है ना, अब मैं इसको उठाकर लेकर आऊंगा तो सब इंडिविजुअल आएंगे, तो अपनी सेटिंग बिगड़ जाती है जो अपन ने की है। तो इस ज्यादा बेटर है कि इसको पहले क्या करो, सेलेक्ट कर लो दोनों को ऐसे ऐसे एरिया बनाकर, और ये सब पिक टूल्स हो रहा है ना, और ये आप क्या कर लो, इसको ग्रुप कर लो कंट्रोल जी। अब देखो ये ग्रुप हो गया। अब आप कहीं पर मूव करोगे ना, तो कहीं पर भी आप ला सकते हो इसको। सेंटर में बताया था मैंने, इसको क्लिक करके फिर इस पर शिफ्ट पर क्लिक करो, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, और सेंटर का सी प्रेस कर दो, बस कीबोर्ड से सी प्रेस कर दो, सेंटर में आ जाएगा। ऐसे इसको करना है तो ये क्या करो, इस पर क्लिक करके और रेक्टेंगल पर क्लिक करो और सी प्रेस कर दो, तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। अब जैसे नीचे अपन को क्या करना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है। और भी मैं सजा सकते हैं, अभी बताऊंगा आपको कैसे सजाना है, किस तरह से। जैसे अभी ये करना, इसको करना है, चलो फॉर एग्जाम्पल इसका करना है, आपको इसको क्या करना है, रेक्टेंगल में लिखना है थोड़ा सा इस तरह से अट्रैक्टिव लगे। तो और ये मुझे क्या करना है, ये कॉर्नर से मुझे राउंडेड करना है ऐसे, है ना, इस तरह के राउंडेड कॉर्नर करने हैं। और या ऐसा करना है, जैसे मान लो मैं वापस इसको उसी पोजीशन पे ले आऊं और इस रेक्टेंगल को कॉपी करो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। दो हो गया, अब यहाँ पर दो रेक्टेंगल आ गए। अब एक को तो रोटेट कर दिया, एक को नहीं करा। अब इसके ऊपर मैंने क्या रखा, इस तरह से रख दिया इसको, ठीक है ना। तो देखो ये कॉर्नर पर इसको जूम करो, पहले तो इसकी मार्जिन चेक करो कि कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा ना, ऐसे जूम करो तो एक्चुअल में पता चलेगा आपको। देखो और जूम करो यहाँ से, ये देखो ये मैंने जूम किया, और देखो अब इसको मैं इस रेक्टेंगल को इसको सही तरह से रखता हूँ। देखो ओहो, ये यहां से एरो की से रखा, अब एग्जैक्ट मिल रहा वो। अब देखना इसको मैं करूंगा सॉलिड, यानी कोई डार्क कलर कर देता हूं मैं, ये कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको मैं क्लिक करता हूं है ना, इसको इसको कर देता हूं मैं, कौन सा कलर करूं, व्हाइट कर देता हूं, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट नहीं दिख रहा अभी, तो देखो टेक्स्ट अपना पीछे चल गया, टेक्स्ट अपना क्या चल गया, पीछे चल गया, वो दिख नहीं रहा अपन को है ना। तो वो टेक्स्ट को अपन को लेना है, ठीक है। तो टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा इसको मुझे मूव करके देखना पड़ेगा टेक्स्ट कहाँ है। ये मैं यहां से इसको भी मूव करता हूँ, ये देखो। तो ये इस टेक्स्ट को आप क्या करो, इन फ्रंट करना पड़ेगा आपको। अरेंज में जाओ और ऑर्डर में जाकर टू फ्रंट कर दो, क्या कर लो, टू फ्रंट, तो ये फ्रंट में आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इसकी सेटिंग कर लो, आपको इसकी सेटिंग करो, ये बिल्कुल अरेंज करो, बिल्कुल टच होना चाहिए ऐसे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यहां से
इस तरह से कर लो। अब इसको यहां पर रखो, थोड़ा सा एरो की से तो क्या थोड़ा जल्दी से आ जाता है ना, तो आप माउस से ही सही सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको करना है तो बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट करना है, किसके करना है इसके, पहले तो इसको ना आप क्या करो, इसको ग्रुप करो पहले तो। इस जो आपने जो डिजाइन बनाई ना, ये शेप बनाई ना आपने, ये ऐसी, इसको पूरा से ऐसे सेलेक्ट करो दूर से, थोड़ा जूम आउट करो, जूम आउट करो यहां से, ये देखो ये जूम आउट करा। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से ऐसे सेलेक्ट करूंगा, बस ये रेक्टेंगल कवर करे बस, दोनों जो मैंने ली डिजाइन, तो दोनों सेलेक्ट हुए। अब इसको ग्रुप कर लो, ये ग्रुप, ठीक है। अब आपको क्या करो, पहले तो इसके सेंटर करो, इसको कहाँ रखना चाहते हो, जैसे मैं यहां रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करो और इसको सी करो, तो ये सेंटर पर आ गया। फिर यहां क्लिक करो, इसको अंदर रखो और इसको इसके सेंटर करो, यहाँ शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करो और सी प्रेस करो, तो ये सेंटर आ गया। ऐसे बिल्कुल बराबर जम जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे आपको एड्रेस देना, तो आप एड्रेस दे दो, ऐसे आपको एड्रेस लाइन देनी है, यहाँ क्लिक करो, एड्रेस बाहर लिख लो, फिर बाद में लिखकर आ जाना है ना। तो ये मैंने एड्रेस जैसे मैंने लिखा मेयो लिंक रोड, ठीक है, संगम कॉलोनी, अजमेर। ये लिखने के बाद जैसे कुछ लार्ज में आया तो इसको कुछ नहीं, आप छोटा कर लो ना, बिल्कुल छोटा कर सकते हो आप, ये देखो लिखने के बाद, ठीक है, ये छोटा कर दिया मैंने। यहाँ से कॉर्नर से आप बिल्कुल छोटा कर सकते हो अपना, माउस का कंट्रोल लाना चाहिए आपको, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डालना चाहते हो, इसको थोड़ा सा और बीच में रखना चाहते हो, सेलेक्ट करो, एरो की से नीचे ले आओ ऐसे, ठीक है। तो अब जैसे एड्रेस यहाँ पर आगे आपको लाइन खींचनी है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करो, है ना, ये इस पर क्लिक करो, लाइन खींचनी है आपको यहाँ से, तो एक क्लिक करो यहाँ पर और उस लाइन को आप शिफ्ट के साथ प्रेस करो, है ना, कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक कर दोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी। लाइन को थिकनेस मोटी करनी है तो आप मोटी कर लो, यहाँ से कहाँ से करना, हाई लाइन से ना, यहाँ से आप करना है, 4 पॉइंट ले लीजिए, 4 पॉइंट ज्यादा हो रही है तो आप 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, ये चीज़ है, और 2 पॉइंट भी ज्यादा है तो 1.5 लिख लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, 1.5 हो जाएगी। जो लाइन जैसी लाइन लिखनी है आपको वैसे लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब डाल सकते हो, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर डालना आपको कि आप लिख लिया और नीचे कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर 9950973454, ये मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिए और ये मैंने छोटा कर दिया इसको। लोगो डिजाइन भी बताऊंगा आपको, लोगो मैंने यही इसमें डिजाइन करा था मेरा लोगो डिजाइन, तो इस तरह से कॉन्टेक्ट नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है, ऐसे आप यहाँ रख सकते हो, इस तरह से आप बना सकते हो। और भी कुछ डालना लिखना है आपको, कुछ अपना कोई स्लोगन है, लोगो, कुछ आपका एक थीम है, एक मैटर है, वो लिखना चाहो तो वो इस तरह से लिख सकते हो और अपना अट्रैक्टिव बना सकते हो। टू कलर्स में भी बताऊंगा कल मैं आपको, विजिटिंग कार्ड टू कलर्स में अट्रैक्टिव बनाकर बताऊंगा, फिलहाल एक सिंपल था, ये सिंपल विजिटिंग कार्ड बनाया अपन ने, ठीक है ना, और अपन इससे भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, सब कुछ बनाना बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही कंटिन्यू बने रहे।